दोस्तों, आज की हमारी तीसरी क्लास है। अगर आपने अभी तक फाइल टैब के बारे में और होम टैब के बारे में नहीं पता, तो होम टैब की हमारी दूसरी क्लास है और फर्स्ट वाली क्लास है जो फाइल टैब के बारे में। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखी है, आप वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए हम देख लेते हैं। इंसर्ट में, इंसर्ट टैब में पिवट टेबल। दोस्तों, सबसे पहले आपको पिवट टेबल पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली रेंज सिलेक्ट होगी। आपको मैं ऑटोमेटिकली नहीं सिलेक्ट करना है, आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो भी आपका ऊपर की हेडिंग होती है, टॉप हेडिंग से आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आप हेडिंग से देखिए, आपके सीरियल नंबर, पार्टी नंबर, लोकेशन है, इस हेडिंग को पकड़कर आपको जो भी जितना भी डाटा चाहिए उतना डाटा आपको सिलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ पर यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेकेंड शीट में दिखाया है। देखो, यहाँ पर सेकेंड में न्यू वर्कशीट चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट चाहिए। हम एग्जिस्टिंग मतलब जो इस पर काम कर रहे हैं ये वर्कशीट होती है, और न्यू एग्जिस्टिंग मतलब न्यू पर हम क्लिक कर लेते। आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक न्यू शीट क्रिएट होगी ऑटोमेटिकली पिवट टेबल की। मुझे क्या करना है, इसी के ऊपर आपको समझाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोबारा से इसे यूज़ कर लेते हैं। इंसर्ट पिवट टेबल, मैन्युअली आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक, मतलब जितना टेबल है पूरा पूरा सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर एग्जिस्टिंग पे क्लिक करता हूँ। आपको लोकेशन दिया है, मुझे लोकेशन मतलब जहाँ पे मेरे को काम करना है, मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और ओके कर लिया। देखिए, यहाँ पे पिवट टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अभी पिवट टेबल का यूज़ कैसे करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, सलमान को मैंने कितना, यहाँ पर कितने आइटम मैंने सोल्ड किया और उसके पास मेरा कितना बैलेंस है, मुझे यहाँ से पता करना होगा। तो बार बार मेरे को यहाँ पर फिल्टर लगाना होता है। फिल्टर लगाने के बाद में बार बार मुझे यहाँ पर यूज़ करना होगा। लेकिन प्योर टेबल में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको उसकी टोटल चाहिए, जिससे मुझे पार्टी वाइज हर एक पार्टी की टोटल चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसे मैं क्या कर लेता हूँ, फिल्टर में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। अगर मुझे फिल्टर में नहीं चाहिए, कॉलम वाइज चाहिए पार्टी नेम, तो कॉलम वाइज यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक कॉलम वाइज है। यहाँ पर क्या है, कॉलम वाइज है, ऑटोमेटिकली हो गए कॉलम में। लेकिन मुझे आपको क्या चाहिए, ये मुझे रो वाइज चाहिए, तो रो वाइज आ गए आपको। अभी ये रो वाइज है, अभी इसकी मेरे को टोटल चाहिए। टोटल क्या है हमारी, बैलेंस टोटल। बैलेंस टोटल को आप वैल्यू पर क्लिक कर दीजिए। ऑटोमेटिकली देखिए, अक्षय की टोटल इतनी है, अमर अमर की अमीर की टोटल इतनी है, दीपिका की टोटल इतनी है, इतना मुझे अमाउंट लेना है। टोटल हमारा इतना अमाउंट होता है, ठीक है। अगर मुझे अभी किसको मैंने कौन सा आइटम सोल्ड किया है, जैसे कार बाइक, अगर मेरे को इसकी भी जानकारी लेनी है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, आइटम सोल्ड पार्टी रो में मुझे देखना है तो रो में आप देख सकते हो, नहीं आपको कॉलम में देखना है तो कॉलम में आप देख लो। देखिए, यहाँ पे जैसे आप इसको जैसे ऑर्डर दोगे उसके हिसाब से वो बताएगा। अक्षय ने बाइक ली है, नहीं ली है, एक सी एसी खरीदी है और कुछ ही नहीं खरीदा। अमीर ने क्या खरीदा है, देखिए एसी खरीदी है, बाइक खरीदी है, कार खरीदी है, उसने मोबाइल नहीं खरीदा। आपको जैसी डिटेल चाहिए आप खुद से यहाँ पर फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे लोकेशन वाइज चाहिए, अगर लोकेशन मेरे को रो वाइज चाहिए, जैसे लोकेशन यहाँ पर देखिए यूपी में लिया है, अमीर ने लिया है, कहाँ कहाँ किसने लिया है, पार्टी नेम ऑफिस आपको जहाँ पे शिफ्ट करोगे उसके हिसाब से देखो पार्टी नेम यहाँ पर हो गए और यहाँ पर आपके रो में क्या हो गया, देखिए रो वाइज, और यहाँ पर बहुत सारी डिटेल है। अगर आपको नहीं चाहिए कुछ भी इसमें से, तो आप इसे आपको सिलेक्ट करना है और ऊपर वहाँ पे ड्रैग डाउन कर लेना है, तो वहाँ से वो कॉलम में सेट गया। अगर मुझे पार्टी नेम नहीं चाहिए, तो मैं वापस ड्रॉप डाउन कर लेता हूँ इसे, मतलब वहाँ से सिलेक्ट करके ऊपर ड्रैग कर लेता हूँ, और वापस मेरे को सम की टोटल नहीं चाहिए तो वापस यहाँ पर कर दे। मेरे को ओनली लोकेशन देखनी है तो लोकेशन देख लिया। अब लोकेशन में जो कॉलम वाइज चाहिए तो कॉलम वाइज कर सकता हूँ मैं कन्वर्ट। अभी लोकेशन वाइज मुझे क्या चाहिए, टोटल चाहिए। तो टोटल का क्या है, बैलेंस यहाँ पर सिलेक्ट करना है, वैल्यू पे सिलेक्ट करना है। देखिए, लोकेशन वाइज यहाँ पर टोटल आ गई है। तो पिवट टेबल बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। आपके पास बड़ा डाटा होगा, कोई कंपनी में काम करते हो और आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बोलेगी कि मेरे को प्रोडक्ट की डिटेल, और बोलेंगे लोकेशन वाइज निकाल के दे, तो आप इस तरह आप उसके डायरेक्टली निकाल कर दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इसको आपको सेपरेट में करना है, जैसे कि अब मैं बता देता हूँ आपको एक पिवट टेबल का एग्जांपल, और आपको एक यहाँ पर देता हूँ। आपको पार्टी नेम को सिलेक्ट करना है रो में, इसकी टोटल आपको यहाँ पर लेनी है बैलेंस शीट में, वैल्यू में। अब जो भी बैलेंस शीट है उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली एक शीट तैयार हो जाएंगी, और यहाँ पर आपको उसकी टोटल और उसने क्या क्या लिया था ऑटोमेटिकली आपके हेडिंग के हिसाब से शीट तैयार हो जाएंगी। जैसे कि हम यहाँ पर देखते थे सलमान के ऊपर डबल क्लिक करते,
सलमान के ऊपर नहीं क्लिक कर रहे हैं, हम सम टोटल के ऊपर ही क्लिक करना है। अगर आप लोकेशन भी यहाँ पर यूज़ करते हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको जो भी आप लोकेशन समझ लो, यहाँ पर हमने कॉलम में दिया तो हमारी टोटल है, टोटल के ऊपर ही आप डबल क्लिक जैसे करोगे तो ऑटोमेटिकली एक शीट क्रिएट हो जाती है और उस नेम के हिसाब से जिसने भी उतने, जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 बार शाहरुख ने 3 आइटम परचेस किए, कार, बाइक और कार, उसका अमाउंट होता है यहाँ पर, ऑटोमेटिकली एक शीट तैयार हो जाएंगी। तो आप पिछले आप इस शीट को रीनेम करके शाहरुख नाम से इसे सेव कर दोगे। देखिए हमने सेव कर लिया तो शाहरुख नाम की डिटेल, ओनली शाहरुख नाम की जो भी हमारी डाटा था यहाँ पर आ गया है, जो भी हमारा डाटा था शाहरुख नाम का यहाँ पर आ गया है। रिकमेंडेड, अगर आपके यहाँ पर वो खुद से रिकमेंडेड करता है कि आपको टेबल कैसा चाहिए, यहाँ पर देखिए सम टोटल खुद से एक बनाकर आपको यहाँ पर क्राइटेरिया देकर रखा है। ये प्योर टेबल यूज़ करने के बाद में यहाँ पर ऑटोमेटिकली आता है, अगर आप यहाँ पर प्योर टेबल फर्स्ट नहीं यूज़ करते हो तो ये आपको रिकमेंडेड नहीं करेगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने रिकमेंडेड पर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। आपको कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ से उठाकर ड्रैग डाउन कर लीजिए, अगर नहीं चाहिए तो वापस आप वहीं पर यूज़ करके वापस लोकेशन पे डाल सकते हैं। जैसे लोकेशन है मुझे नहीं चाहिए तो वापस मैंने उसे अप कर लिया है, सम टोटल नहीं चाहिए तो यहाँ पर वापस मैंने अप कर लिया, वापस हमारा प्योर टेबल ब्लैंक हो गया। अगर मुझे कुछ चाहिए जैसे मेरे को बैलेंस अमाउंट की टोटल देखनी है तो यहाँ पर देखिए बैलेंस अमाउंट की टोटल, मुझे पार्टी वाइज बैलेंस अमाउंट देखनी है तो मैं पार्टी वाइज यहाँ पर उठा के डायरेक्ट रो में डाल दिया, रो वाइज दिखेंगे। अगर मुझे कॉलम वाइज चाहिए तो कॉलम वाइज यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल के लिए रो वाइज यूज़ करता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए वैल्यू लेफ्ट क्लिक करना है और उसके बाद में वैल्यू फील्ड पर सेटिंग पर क्लिक करना है। अगर आपको एवरेज चाहिए तो एवरेज पर क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पर एवरेज दिखेंगे आपको। अगर आपको जैसा चाहिए वैसे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, काउंट चाहिए तो काउंट के हिसाब से देखेंगे। अक्षय ने एक हमारा एक बिल है, अमीर के 3 बिल है, दीपिका के 3 बिल है, इसके हिसाब से यूज़ हो रहे हैं। अगर मुझे सम की चाहिए, सम मतलब टोटल होता है, तो सम पर क्लिक करूँगा तो टोटल यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। दोस्तों अगर आपका प्योर टेबल हाइड हो गया तो आपको लाना कैसे, यहाँ पर देखिए प्योर टेबल नहीं दिख रहा है आपको, राइट क्लिक करना है, शो फील्ड डिस पर आपको क्लिक करना है, ऐसे क्लिक करोगे आपका प्योर टेबल यहाँ पर शो करेगा। अब कभी फिल्टर्स के बारे में आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अगर यहाँ पर मुझे कुछ भी चीज़ें पता करनी है जैसे आइटम वाइज करना है, देखो आइटम सोल्ड यहाँ पर क्लिक किए तो यहाँ पर एक हमारा फिल्टर क्रिएट हो गया, यहाँ से आप डायरेक्टली कुछ भी देख सकते हैं, बाइक कहाँ कहाँ शेयर हुई, यहाँ पर बाइक मतलब कहाँ कहाँ सोल्ड हुई और किसने किसने खरीदी, यहाँ पर फिल्टर हो गया। अगर आपको फिल्टर हटाना है, आपको नॉर्मल में करना है, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पर सबसे सिलेक्ट करना है, रोके नॉर्मली आपको यहाँ पर क्रिएट हो गया फिल्टर। अगर आपको नहीं चाहिए आइटम वाइज आपको इसे वापस अप कर लेना है, यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रैग करते रहना है। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आपको सब वापस से ड्रैग कर लेना है। अगर आपको पार्टी नेम वाइज कुछ चाहिए तो वैल्यूज के बारे में आपको तो समझ में आ ही गया कि आप राइट क्लिक करके यहाँ से वैल्यू के सम टोटल एवरेज हुए थे निकाल सकते हैं। कॉलम्स के बारे में, अगर कॉलम वाइज चाहिए तो पार्टी नेम कॉलम वाइज आके यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। आपको एक और चीज़ बता दूँ, आपने कुछ भी न्यू एंट्री यहाँ पर करोगे, अगर आपने कोई भी एंट्री यहाँ पर की है और इस लिस्ट की अपडेट आपके पीओ टेबल में नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आपने इसका रेंज सिलेक्ट नहीं किया है पीओ टेबल में, इसलिए ये हमारा इसका अगर जो भी अमाउंट हमने यहाँ पर डाल भी दिया और लिख भी दिया, पीओ टेबल क्रिएट करने के बाद में आपको यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। आपको फिर से दोबारा अगर आपको ये इसको काउंट करना है तो प्योर टेबल फिर से दोबारा क्रिएट करना होगा, उसी रेंज में आपको पूरा रेंज सिलेक्ट करना होगा, आप कुछ भी अपडेट करोगे तो दोबारा से आपको इसे सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों यहाँ पर एक टेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेम हमने होम टैब में भी यही टेबल के बारे में देखा है। यहाँ पर देखिए हमारा टेबल का कलरिंग अलग अलग हो रहा है, तो वही टेबल है ये वाला, तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। चौथी क्लास में हम देखने वाले इलस्ट्रेशन के बारे में। दोस्तों अगर आपको प्योर टेबल की जानकारी अच्छे से समझ में आ गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।